नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ेद दाग के दौरान आप कौन से घरेलू उपचार अपनाकर अपने सफ़ेद दाग को ठीक कर सकते हैं। जो भी घरेलू उपचार मैं आपको बताने वाला हूँ, ये शुरुआती समय में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं। अगर आपकी स्किन पर अभी अभी सफ़ेद दाग आने शुरू हुए हैं, तो अगर आप इनमें से किसी भी होम रेमेडी को अप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे आपका जो सफ़ेद दाग है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और आप विटिलिगो की समस्या से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आप नीम के पत्तों का इस्तेमाल करें। नीम के पत्तों को आप अच्छे से पीस लें और इस पेस्ट को आपको अपने जहां सफ़ेद दाग आना शुरू हुआ है वहां पर लगाना है और 15 से 20 मिनट तक के लिए इसको छोड़ देना है। इसके बाद आप इसे नॉर्मल पानी से या लूक वॉर्म वाटर से वॉश कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी स्किन को नॉर्मल कलर लाने में मदद करता है, कलर डेवलप करने में मदद करता है। नंबर 2 होम रेमेडी है आपकी गाजर। आपको गाजर का जूस पीना है। आप गाजर अपनी डाइट में और ज़्यादा बढ़ा लें, क्योंकि गाजर की मदद से आपका मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ता है। विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग जनरली जब ही होता है जब आपकी बॉडी में मेलेनिन का प्रोडक्शन कम होता है, और ऐसे में जब आप गाजर खाएंगे तो इससे आपके शरीर में मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा और जहां आप सफ़ेद दाग फेस कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे, वो कम दिखने लगेंगे, क्योंकि ये आपकी बॉडी में मेलानोसाइट सेल्स के पिगमेंटेशन को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके बाद अगली होम रेमेडी है शहद। शहद को आपको ल्यूक वॉर्म वाटर के साथ लेना है। आप ल्यूक वॉर्म वाटर लें, उसमें 1-2 स्पून शहद को अच्छे से मिला लें। अर्ली मॉर्निंग आप इसको पी सकते हैं। इससे भी आपका शरीर अंदर से साफ रहता है और आपके शरीर के साथ साथ आपकी स्किन अच्छी रहती है और आप सफ़ेद दाग से फ्री हो सकते हैं। नंबर 4th होम रेमेडी है आपकी जिंजर। इसमें भी आपको इसी तरीके से करना है जैसे शहद के साथ करा था। आपको ल्यूक वॉर्म वाटर लेना है और अदरक को अच्छे से कूट लेना है और उसका जो अर्क है यानी रस है उसको उस पानी में मिला लेना है, अदरक को मिला लेना है, और इस पानी को आपको पी लेना है अर्ली मॉर्निंग में। ये भी आपको अंदर से डिटॉक्सिफाई करती है, आपकी स्किन को अच्छा बनाने में मदद करती है। साथ ही साथ अदरक का जब पानी आप पीते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से बचने में भी मदद मिलेगी। इसके बाद आप डेट्स और वॉलनट की मदद से भी अपने सफ़ेद दाग में रिकवरी देख सकते हैं। आपको क्या करना है, डेट्स को और वॉलनट को रात को भिगोकर रख देना है और अर्ली मॉर्निंग में आपको इन दोनों को खा लेना है। इससे भी आपके शरीर में कॉपर की कमी कम होगी, साथ ही साथ आयरन मिलेगा और ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, जो आपकी विटिलिगो की रिकवरी में काफ़ी अच्छी मदद करते हैं। साथ ही साथ इनमें आपको विटामिन B12 मिलता है, जो कि जनरली हम देखते हैं विटिलिगो के पेशेंट में डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। और जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो अगर पेशेंट कहीं से ट्रीटमेंट भी ले रहे होते हैं तो उनको रिकवरी देखने को नहीं मिलती। यहां पर आपको विटामिन B12 के लिए इवन सप्लीमेंट भी खाने हो तो आप सप्लीमेंट भी खा सकते हैं, वरना डेट एंड वॉलनट की मदद से भी आप विटामिन B12 की फुलफिलमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको विटामिन D का भी अच्छी मात्रा में इनटेक करना है। इसके लिए आप सनलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग में ही आपको सनलाइट लेनी है, क्योंकि अगर आप धूप में बाद में निकलते हैं यानी आफ्टर 2 PM या 10 PM निकलते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, वो आपकी स्किन को और ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकते हैं। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। वहीं अगर आप कॉपर की डेफिशिएंसी का टेस्ट करवा सकते हैं तो उसे करवाएं। जनरली हम देखते हैं पेशेंट्स की जब रिपोर्ट्स आती हैं, हम देखते हैं उनके शरीर में कॉपर की कमी होती है, जिसकी वजह से उनका सफ़ेद दाग और ज़्यादा बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर आपको अपनी कॉपर डेफिशिएंसी का टेस्ट कराना है। अगर आपके शरीर में कॉपर की डेफिशिएंसी है तो यहाँ पर आप कॉपर के बर्तनों में पानी पी सकते हैं, आप कॉपर के बर्तनों में खाना खा सकते हैं। साथ ही मशरूम में आपको बहुत अच्छी मात्रा में कॉपर मिल जाता है, छोले में, और आपका पालक है इसमें आपको बहुत अच्छी मात्रा में कॉपर मिलता है, तो आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और टोफू पनीर जो होता है उसमें भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में कॉपर मिलता है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको कुछ घरेलू उपचार बताए हैं जिनकी मदद से आप अपने बढ़ते हुए सफ़ेद दाग को रोक सकते हैं। अगर शुरुआती समय है सफ़ेद दाग का तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप इन होम रेमेडीज़ को अप्लाई कर रहे हैं वाइल टेकिंग ट्रीटमेंट तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये इतनी इफेक्टिव होम रेमेडीज नहीं रहती, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यहां पर आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है। आपका इम्यून सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा सफेद दाग बढ़ते ही रहेंगे।
तो यहाँ पर आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आप भारत होम्योपैथी से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम आपको एक कस्टमाइज्ड मेडिसिन प्रोवाइड करती है जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। यानी अगर आपकी बीमारी का रूट कॉज अलग है तो आपको सेम मेडिसिन नहीं दी जा सकती, हर पेशेंट की बीमारी का रूट कॉज अलग होता है। जैसे सफ़ेद दाग जनरली स्ट्रेस से एग्रीवेट होता है, तो अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपको स्ट्रेस मॉड्यूलेटर भी दी जाती हैं मेडिसिन में, और अगर आपका सफ़ेद दाग आपके जंक फूड खाने की वजह से हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी डाइट में भी चेंज होता है, आपकी मेडिसिन में भी चेंज होता है। और इसके लिए आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।